A positive or pure science analyzes cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner. But it does not involve any value judgment. पॉजिटिव जब हम बात करते हैं मतलब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, ये बड़ा पॉजिटिव जब हम बात करते हैं ये एकदम साइंटिफिक एनालाइज करता है, इसमें कोई भावनाओं की कोई जगह नहीं है। बट एक बात बताओ दोस्त, हम ह्यूमन बींग्स को डील कर रहे हैं राइट? हम कुछ इकोनॉमिक थ्योरी बनाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक थ्योरी हम थ्योरी बना रहे हैं। अब देखो कितना डिटेल डिस्कशन हो रहा है, क्या इमेजिन करो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में। अब ये इकोनॉमिक थ्योरी जो बनता है ये अजम्पशंस पे बनता है, ये अनरियलिस्टिक होता है, रियल वर्ल्ड अलग होता है, गैप होता है, ये बात हमने किया था ना थोड़ी देर पहले। अब मेरे भाई ये चर्चा उतना डीप में पहुंच गया है। देखो पता है बहुत लोगों को लगता है कि यार थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी को समझ में नहीं आता है। बट अगर थ्योरी को समझ के एक बार समझ लोगे ना तो लगेगा कि यार आप कोई भी एग्जामिनेशन पे किसी भी चीज़ को हैंडल करने के पोजिशन पे हो। तो अब देखो बात हो रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरी जो बनती है वो दो तरीके से बनती है। एक तरीका होता है पॉजिटिव, एक अप्रोच है ये कि भैया हम जो थ्योरी बना रहे हैं उसमें कोई भावनाओं की जगह नहीं है, हमारे थ्योरी पे कोई भावनाओं की जगह नहीं। तो जो इकोनॉमिस्ट थ्योरी बनाते हुए ऐसा बात करता है कि मेरे थ्योरी पे ह्यूमन भावनाओं की जगह नहीं है, भैया मेरे थ्योरी बना रहे हो इंसान के लिए और बोलते हो कि भावनाओं की जगह नहीं है। वो बोलता है कि नहीं नहीं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज अगर है तो इसका ये इफेक्ट है। जैसे आप बोलोगे भैया सर कॉज एंड इफेक्ट को समझाइए, मैं भी समझाता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी क्या है? इफ देर इज एन इफेक्ट देर हैज टू बी अ कॉज। नहीं समझ में आया, ये जो डेरी मिल्क है ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है। अगर ये डेरी मिल्क है, ये चॉकलेट डेरी मिल्क है, तो देर हैज टू बी अ चॉकलेट, ये इफेक्ट है। तो बिना चॉकलेट के ये डेरी मिल्क कहाँ से आया? अच्छा नहीं समझ में आया। इफ देर इज अ गोल्ड चेन, गोल्ड चेन देर हैज टू बी अ गोल्ड। इफ देर इज एन इफेक्ट, इफेक्ट इज द गोल्ड चेन, देर हैज टू बी अ गोल्ड, देर हैज टू बी अ कॉज। इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इटसेल्फ इन अनदर फॉर्म। इफेक्ट, इफेक्ट गोल्ड चेन इज अ इफेक्ट, इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज, कॉज क्या था? गोल्ड, गोल्ड इटसेल्फ इन अनदर फॉर्म। इफ यू रिमूव, देखो तीसरा लॉ बता रहा हूं मैं कॉज एंड इफेक्ट का, इफ यू रिमूव द कॉज फ्रॉम द इफेक्ट नथिंग रिमेन्स। सर क्या बोल दिए? इफ यू रिमूव द कॉज फ्रॉम द इफेक्ट, इफेक्ट क्या है? गोल्ड चेन। कॉज क्या है? गोल्ड। इफ यू रिमूव द गोल्ड फ्रॉम द गोल्ड चेन, भैया गोल्ड को ही हटा दिए तो अब चेन कहां से रहेगा? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का ये तीन फॉर्मूला है। फिर से बोलू, इफ देयर इज एन इफेक्ट, इफेक्ट क्या है? मड पॉट, मड पॉट इफेक्ट, तो देयर हैज टू बी अ मड। सो रूल नंबर वन, इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज। दोस्त ये जो मैं आपको इफेक्ट एंड कॉज का जो बात बता रहा हूं ना, ये अपने जीवन में अप्लाई करो। इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज, इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इटसेल्फ इन अनदर फॉर्म। इफेक्ट इज नथिंग, मड पॉट इज नथिंग बट मड इटसेल्फ इन अनदर फॉर्म। यह है कॉज एंड इफेक्ट का रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री बोलता है, इफ यू रिमूव द कॉज फ्रॉम द इफेक्ट, इफेक्ट है मड पॉट, यू रिमूव द कॉज दैट इज द मड, इट वॉज द मड व्हिच इज क्रिएटेड द मड पॉट, एंड इफ यू रिमूव द मड आउट ऑफ द मड पॉट व्हाट विल रिमेन? नथिंग विल रिमेन। सो दोस्त ये कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है। कुछ एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे हुआ है बिटवीन वेरिएबल्स इन एन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। इन अदर वर्ड्स,
it states what is of the state of affairs and what and not what ought to be. वो सीधा सीधी एक ही चीज देखता है, भैया ये है क्या होना चाहिए, इसका मतलब वो तुम्हारा भावना है। बात को समझो, एग्जैक्टली ये है जो हम देख रहे हैं। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है ना कि जो सिचुएशन है वो हम देखते नहीं, हम अपने भावनाओं को जोड़ के सिचुएशन को देखना चाहते हैं। तो दोस्त ये एक समझने का चेष्टा करो कि भैया सीधा सीधी क्लियर दिख रहा है कि ये चीज ऐसा है, बट क्या हम लोग सीधा सीधी क्लियर देख पाते हैं? हम लोग जैसे अपना भावना जोड़ते हैं, नहीं नहीं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता, हाँ ना ना, इसका मतलब है आपने अपनी भावनाओं को जोड़ दिया। एग्जैक्टली वो आपको धोखा पे धोखा दिए जा रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो देखना चाहते हो अपने भावनाओं को ऐड करके देखना चाह रहे हो। ऐसा होना चाहिए, कैसा है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। तो ये जो बात है, जो पॉजिटिव बातें जो कर रहे हैं, जो पॉजिटिव लाइंस पे जो बातें होती है, वो एग्जैक्टली क्या है उसका बात करते हैं, क्या होना चाहिए उसका बात नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इन द सेंस दैट इट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द डिजायरेबिलिटी और अदरवाइज। जो है मैं वो बता रहा हूँ, कैसा होना चाहिए मैं वो नहीं बता रहा। तो ये किसका चर्चा कर रहे हैं? पॉजिटिव का, ऑफ सच बिहेवियर। एज अगेंस्ट दिस, अब नॉर्मेटिव का बात करते हैं, जहां भावना ऐड होता है। नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, प्रिस्क्राइब करता कि भैया ऐसा होना चाहिए, एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, ऐसा सिचुएशन है, गरीब है तो भैया उसके लिए तो ये होना चाहिए। वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस। जैसे मैंने कहा ना, गरीब है तो आपका भावना आ गया, नहीं नहीं यार इसके साथ तो ऐसा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे बिजनेस का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये हमने आपको समझाया है इकोनॉमिक थ्योरी का, बट हमने अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक थ्योरी है, रियल वर्ल्ड है, ये दोनों के बीच का गैप है। इस गैप को बीच में भरता है कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक थ्योरी जो है भाई, ये बनता है पॉजिटिव से और नॉर्मेटिव से। ये रियल वर्ल्ड है। अब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले जितने मैनेजर्स हैं, उनको यहाँ का भी कुछ लेना है, यहाँ का भी कुछ लेना है। तो अभी हमने आपको इधर का समझाया कि इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव क्या है। अब अपने बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव। क्या बात है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में तो आपको ह्यूमन बींग्स के साथ डायरेक्ट डील करना है। ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? आप बोलोगे, अरे भैया देखो, आपका ब्लड शुगर का ये मशीन मैंने निकाला है, अब आपको जाके लंबा सिरिंज नहीं डालना है, बस एक छोटा सा प्रिक करो, आ गया। हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, आपके पेट में दर्द है, ये हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बिजनेस वाला का तो काम ही यही है भैया, गैप को खोजो, लोगों को क्या तकलीफ है उस तकलीफ का सोल्यूशन निकालो और प्रिस्क्राइब करो कि ये सोल्यूशन, मेरा कंपनी का ये प्रोडक्ट यूज करिए, जिनके बाल उड़ रहे हैं
ये 2 बार लगाइए, ये 4 टैबलेट खाइए, देखो आपका घने जंगलों जैसा बाल हो जाएगा। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। हाउएवर इफ द फर्म्स आर टू एस्टेब्लिश वैलिड डिसीजन रूल्स, ऑफकोर्स कोई भी फर्म है उसको तो वैलिड डिसीजन रूल्स बनाना है, दे मस्ट थरली अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट, किस जगह पे काम कर रहा है, जैसा देश वैसा भेष। तो अगर बिजनेस एनवायरमेंट को पूरा पूरी समझना है तो सिर्फ नॉर्मेटिव होने से नहीं चलेगा, दिस रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव है जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव है जो देख के डिस्क्राइब कर रहा है। दस बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉम्बाइंस द एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव थ्योरी, द एम्फेसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन द लैटर। फॉर्मर मतलब नॉर्मेटिव, फॉर्मर नॉर्मेटिव, क्योंकि बिजनेस का आदत है प्रिस्क्राइब करना। अब दोस्त आपने अगर इसको समझ लिया है तो इस पर कैसा भी एमसीक्यू घुमा घुमा के आपसे पूछ ले, मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि आप कहीं पर भी फंसोगे नहीं। इसीलिए दोस्त मैंने इतना डिटेल में कोशिश किया है, छोटा सा कोशिश किया है कि आपको एक एक वर्ड मैं समझा पाऊँ। भगवान का आशीर्वाद है, मैं भी बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना मन की भावना को बीच में नहीं ला रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ाई जो मुझे दिखाई दे रहा है उसी को समझ के ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप भी यही कोशिश करिए, जब भी एक स्टूडेंट पहले से ही डर जाता है, पढ़ाई करने से पहले ही वो डर चुका है, पढ़ाई करने से पहले ही उसे लग रहा है कि मैं कमज़ोर बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे क्लास 12 में, क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन क्लियर कर पाऊंगा, वो पहले बहुत सारा फियर को हावी कर ले रहा है। दोस्त इस तरीके से, नॉर्मेटिव तरीके से अगर आप सोचोगे तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आप पुरानी सारी बातों को भूलकर आज ये कल्पना और दृढ़ विश्वास अपने मन में जगाइए, यस आई एम गुड, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी सिंसियर, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। और समय का ही तो हेर फेर है दोस्त, अगर आप हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर हो क्या फर्क पड़ता है। मई 2018 तक अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप मई के जगह नवंबर 2018 में दीजिएगा एग्जाम। बट इम्पॉर्टेंट है आपका तैयारी कैसा है। लोग इस चक्कर में जल्दी अटेम्प्ट देने के चक्कर में कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं, मेरा वो दोस्त तैयार है वो एग्जाम देने जा रहा तो मैं भी उसी के चक्कर में एग्जाम देने बैठ जाऊं। ये पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं मैं पीछे रह जा रहा हूं, मैं पीछे रह जा रहा हूं, उसका तैयारी हो गया। ये हीन भावना कंपेरिजन को बंद करिए। आप पहले आप एक ही चीज देखिए, एकदम देखो डिस्क्रिप्टिव तरीका से नॉर्मेटिव पॉजिटिवली आप एक ही चीज देखो, भैया ये एग्जाम है, इस एग्जाम का ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने अच्छे से तैयारी कर ली है तो चलो आज एग्जाम दे देते हैं। आप पहले से ही जो टारगेट बना लेते हो ना कि मुझे मई 2018 में देना है, यही सबसे मेजर गलती करते हो आप। एग्जाम पहले से ही देना है मतलब एग्जाम का डेट आपको फाइनल कर लिया आपने अपने मन में। एग्जाम 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 एंड एग्जाम, आपका सारा फोकस एग्जाम के तरफ है। भैया एग्जाम क्या चीज का करोगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हमने आपको समझाया था, आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी मैं आपको ये समझाना चाहूंगा फिर से, एक मिनट रुकिए। ये जो एग्जाम है मेरे दोस्त, ये इफेक्ट है या कॉज है? ये दोस्त ये इफेक्ट, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है आपका स्टडी, क्योंकि आप स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद आप एग्जाम दोगे, स्टडी नहीं किया एग्जाम में चले गए। तो रूल नंबर 1 क्या है, इफेक्ट, इफ देयर इज एन इफेक्ट
इफेक्ट क्या एग्जाम, देयर हैज टू बी द कॉज। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, इफेक्ट, इफेक्ट क्या एग्जाम, इफेक्ट इज नथिंग एल्स बट कॉज। कॉज क्या स्टडी, कॉज इटसेल्फ इन अनदर फॉर्म। कॉज का अलग फॉर्म क्या है, स्टडी का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव क्या है, स्टडी का एक अलग फॉर्म है एग्जाम। तीसरा रूल इंपॉर्टेंट, इफ यू रिमूव द कॉज, ये कॉज को हमने हटा दिया है फ्रॉम द इफेक्ट, एग्जाम है, एग्जाम तो है भाई मगर क्या स्टडी है, नहीं स्टडी नहीं है मगर एग्जाम है, स्टडी नहीं किया है मगर एग्जाम है और एक देना है। नहीं भैया एग्जाम तो देना है, क्यों देना है, क्योंकि वो धनंजय दे रहा है, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। अरे वो लॉटरी का टिकट दे रहा, हम भी तो लॉटरी का, तो भैया तुम पढ़ाई करने आए हो क्या, लॉटरी लॉटरी खेलने आए हो। तो देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इफ यू रिमूव द कॉज, स्टडी को तो हमने किया ही नहीं, फ्रॉम द इफेक्ट, एग्जाम देने चले गए बिना स्टडी के, नथिंग रिमेन्स, तो हाथ में आया बाबा जी का ठुल्लू, नथिंग, तो यू रिमेन विथ नथिंग एंड यू बिकम नथिंग एंड देन यू कीप ऑन क्रिबलिंग कि मेरा ही किस्मत खराब है, उसका किस्मत अच्छा है, चलो एक पंडित जी के पास चलते हैं। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, सिंपल आज हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, इसको अपना लो, 101% दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है, सिंसियर रहना होगा आपको इसमें। आइए थोड़ा सा और पढ़ना, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड, अभी भी चर्चा जारी है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है दोस्त, वो जो गैप है इकोनॉमिक थ्योरी और रियल वर्ल्ड का जो गैप है, उसके बीच में जो मैनेजर आके जो पूरा एक डिसीजन मेकिंग करता है, वही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इस मैनेजर को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या MBA हो, उसका क्या स्कोप है, द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड, बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों बड़ा है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया है तो आज के डेट में ये काम तो करना ही करना है। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अ मैनेजर और अ फर्म फेसेस, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में यही तो करना है। अरे भैया ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम ऐसा है, रियल वर्ल्ड ऐसा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा, भैया मैनेजर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आप सॉल्व करिए। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज टू विच इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, अरे बाबा याद करिए, इकोनॉमिक थ्योरी एक जगह है और रियल वर्ल्ड एक जगह है, बीच में आप हो, आपको इकोनॉमिक थ्योरी को भी यूज करना है, रियल वर्ल्ड को भी यूज करना है। तो अब ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरी को आप यूज कर सकते हो एकदम डायरेक्टली, अगर कहीं ऐसा सिचुएशन में मेरे दोस्त फंस जाओ तो इकोनॉमिक थ्योरी को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अच्छा कहाँ यूज किया जा सकता है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, जब भी कोई ऑपरेशनल इश्यूज हो मैनेजर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब MBA साहब, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर लेना, देखो आपका कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। ओके तो क्या बोला जा रहा, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ बिजनेस इश्यूज टू विच इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, तो इंटरनल इश्यूज में माइक्रो को लगाओ, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इश्यूज पे मैक्रो को लगाओ। देयरफॉर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिस्कस्ड अंडर द अबव 2 हेड्स,
घूम फिर के बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है तो जो थ्योरीज है इकोनॉमिक थ्योरी, और इकोनॉमिक थ्योरी तो माइक्रो और मैक्रो के अंडर में है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को इससे मिला लेते हैं, क्या हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। अब आपको अप्लाई करना है ऑपरेशनल इश्यूज। अब ये ऑपरेशनल इश्यूज क्या होता है पहले ये समझाना होगा आपको। ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। ऑपरेशनल, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने का इंटरनल इश्यूज है, भाई ये प्रोडक्शन हुआ हुआ, कितना हुआ इतना हुआ, प्रोडक्शन बनने के बाद एडवर्टीजमेंट का कैंपेन हुआ हाँ हुआ, लॉन्च हुआ हुआ, शाहरुख खान आया आया, रेडियो में ऐड हुआ हुआ, ये सारे ऑपरेशनल इश्यूज है, इंटरनल बातें। ऑल दिस इश्यूज अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉल विद इन द ओवरव्यू सॉरी परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है यही तो डिसीजन ले रही है इस प्रोडक्ट का हमें ऐड शाहरुख खान से कराना है या अक्षय कुमार से कराना है, ऐड कैसा कराना है, कवर डिज़ाइन कैसा करना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा करना है, कौन कौन से टेरिटरी में बेचना है, किस परसेंटेज में बेचना है, किस मार्जिन में बेचना है, तो ये सारे ऑपरेशनल बातें हैं। दीज इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर, ये हम डिसाइड करेंगे, हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट हमारा, डिज़ाइन हमारा, टेस्ट हमारा, डिसीजन हमारा, प्राइस भी हम फिक्स करेंगे, कहाँ बेचेंगे फिक्स करेंगे, किसको बेचेंगे फिक्स करेंगे, कैसे बेचेंगे फिक्स करेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे ऑफलाइन बेचेंगे, कैसे कस्टमर को बेचेंगे, डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे, जो भी करना भैया हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है भैया, इंटरनल बातें। इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस एंड इट्स साइज, प्रोडक्ट डिसीजंस, टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर कॉम्बिनेशन। फैक्टर कॉम्बिनेशन मशीन से बनाएंगे, लेबर से बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सब इंटरनल बातें। प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंट्री आर फ्यू एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज। हमने तो बातों बातों में आपको सब कुछ बता ही दिया। जब भावनाओं में बात करेंगे ना तो भावनाओं में सब कुछ समझ में आ जाता है, और ऐसे पढ़ोगे ना तो ये थ्योरी बोरिंग हो जाता है। मुझे यकीन करो मुझे भी नहीं मालूम था ये लिखा हुआ है, मैं तो भावना भावना में आपको कह दिया देखो यही चीज आ गया। इसका मतलब यह कि समझना इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज के ट्यूनिंग को अगर आप पकड़ लोगे तो अच्छा म्यूजिक अपने आप बन जाएगा, तो इसका ट्यूनिंग को पकड़ो मेरे दोस्त। द फॉलोइंग छोड़ना नहीं है, द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज डील विथ मोस्ट ऑफ दीज इशूज। अब ये जितना इशू का हमने बात किया, कौन से माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील करता है ये भी बता दे रहे हैं भैया। आइए, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको डिमांड एनालिसिस करना है क्या नहीं करना है, उस डिमांड के बेस पे आप फोरकास्टिंग करोगे। फोरकास्टिंग करके ही तो आपने प्रोडक्ट बनाना ना जरूरी है। ऑपरेशनल का बात है, इंटरनल मैनेजमेंट का बात है, तो यू विल एनालाइज द डिमांड एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सच एज प्राइस ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। ये सब क्यों करना है? अच्छा, सामने वाले ने लॉन्च किया है डिजाइनर जीन्स 800 रुपये में, अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, अरे तो अपने को शाहरुख खान लाना होगा, 800 में बेच रहा, ठीक है अपने 700 में लाओ, क्वालिटी बहुत अच्छा, ठीक है क्वालिटी देखो उसका, एनालाइज करो, कंज्यूमर का इनकम इस लेवल पे है, हाँ हाँ है, कंज्यूमर खरीद रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। अच्छा, कोई ज़रूरी है जीन्स ही खरीदेंगे सब, फॉर्मल ट्राउज़र निकालो ना, और उसको एकदम सस्ता में निकालते हैं, क्योंकि अपने पास तो इम्पोर्टेड मशीनरी है, अपना वो स्टिचिंग ज़बरदस्त होगा और अपने को वो अपना एज है, तो जीन्स में हम लोग नहीं सक पाएंगे। चलो इस पर कोशिश करते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट को डेवलप करेंगे, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ये जो अपना क्लाइमेट है यहाँ का, इस क्लाइमेट में जीन्स से ज़्यादा कंफर्टेबल अपने इसको कॉटन में मारेंगे और उसको गर्मी का ऐड डाल के कुछ करेंगे तो मैच हो जाएगा। ये सब इंटरनल बातें चल रही है। अब डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
on the basis of the past behavior of factors which affect demand. Past behavior को जज करके हम ये calculation किए हैं सर कि ये इतना माल हमारा बिक जाएगा. Accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantities at the right time and to arrange well in advance. जब अपने को पता है कि हमारा माल बिकेगा, क्योंकि देखो भैया इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, शाहरुख खान को लेंगे, जगह जगह बिल बोर्ड लगेगा, होर्डिंग लगेगा, और मार्केट में जब ऑर्डर आएगा कस्टमर तो रुकेगा नहीं ना. आपके पास ऑर्डर आया को तुरंत सप्लाई करना है. अगर आपका पैंट उसको नहीं मिला तो वो भैया जाके वही जीन्स खरीद लेगा. तो देखो ऐसा नहीं हो कि सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में लग जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि माल ज़्यादा बना ले, क्योंकि ये सीजनल है, ये दिवाली दुर्गा पूजा में ही बिकना है भैया, उसके बाद तो ये स्टॉक नहीं बिकने वाला है. तो ना ज़्यादा बनाना है ना कम बनाना है. 2-5-10% सर ऊपर नीचे चलो वो तो हम मानते हैं, तो उस हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना है. फॉर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सभी चीज का तो ध्यान रखना होगा. बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द मैनेजर विद द साइंटिफिक टूल्स विच असिस्ट हिम इन फोरकास्टिंग डिमांड. चलो डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे हम तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, छोटा काम नहीं है दोस्त. डिमांड को फोरकास्ट करना बहुत बड़ा काम है, समझने का चेष्टा करिए. कम बना लिया तो पछताओगे, ज़्यादा बना लिया तो पछताओगे. अब सिर्फ डिमांड तो चलो हमने तय कर लिया, अब डिमांड तय कर लिया कि हमें 1,00,000 पीस बनाना है, ये हमने फोरकास्ट कर लिया. अब 1,00,000 पीस बनाना है, बनाना है मतलब भैया प्रोड्यूस करना है. तो भैया लॉजिकली अगर प्रोड्यूस करना है तो बात तो प्रोडक्शन का होना चाहिए. आ गया देखो लॉजिकली. और भैया जब बनाएंगे ना तो प्रॉफिट अगर चाहिए तो कॉस्ट पर ध्यान रखो. जब बनाने में हम कोई भी प्रोडक्ट को उतरेंगे तो हम लोग हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम बनाएं तो उसका ध्यान हम क्या रखते हैं कि कम से कम कॉस्ट में बनाएं. क्यों? SP-CP = profit. भैया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए SP बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ाओगे? सामने वाला अक्षय कुमार से ऐड करा के 800 रुपया में बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तुमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तुम 850 में बेचना चाहोगे. तो 850 में बेचना चाहोगे तो खरीदेगा कौन? तो सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं ना बेटा. अच्छा तो सेलिंग प्राइस तो घटाना होगा, अगर उसका मार्केट खाना है तो सेलिंग प्राइस को तो घटाना होगा, बल्कि 750 करना होगा. आप समझ लो उसका कॉस्ट 500 रुपया है और हमारा कॉस्ट 400 रुपया, तो क्योंकि हमारा कॉस्ट कमती है तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा है. तो इस तरीका से बिजनेस एनालिसिस होता है. तो कॉस्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस्ट हम कितना कम कर सके, और कॉस्ट कम करने का बात को जब भी आएगा तो उसको बोला जाता है बिजनेस एफिशिएंसी. हमेशा बिजनेस यही चाहेगा कि मैं एफिशिएंट बनूं, एफिशिएंट बनूंगा तो कॉस्ट हमेशा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, अलीन अंबानी हो या टाटा हो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रही है, कोई क्या बना रहा है, कोई एप्पल वाला आईफोन बना रहा है, बट हमेशा उनका ध्यान एक ही जगह पे है, एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट को कम लाना है. क्योंकि आप बोलोगे अरे एप्पल तुम 1,00,000 रुपया का फोन लॉन्च कर दिए हो, इतना सेम फीचर तो दूसरा कंपनी मुझे 70,000 में दे रहा है, तो मैं तुम्हारा 1,00,000 रुपया का फोन क्यों लूं? बोलेंगे क्या नहीं आप बताइए. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, डिमांड फोरकास्ट हो चुका है, अब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को एनालाइज करना है. प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. प्रोडक्शन थ्योरी, इनपुट कितना आउटपुट कितना. अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज टू डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट. ये सब हम आगे करेंगे दोस्त, मगर फिर भी बेस्ट मेरे लिए आउटपुट साइज क्या है, कैसे पता चलेगा कि बेस्ट आउटपुट साइज क्या है? मिनिमम कॉस्ट मतलब जब मेरा टोटल आउटपुट और कॉस्ट का जब देखेंगे कि मेरा सबसे सस्ता कहाँ बन रहा है. गिवन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म,
अब 1 लाख पीस बनाना है और 99 या 95,000 पीसेस अगर हम बना रहे हैं तो मेरा कॉस्ट 9.5 आ रहा है, और 1,05,000 पीस बना रहे हैं मतलब 10,000 पीस अगर हम और बना रहे हैं तो मेरा कॉस्ट 11 रुपया आ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 1.5 रुपया का फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरे लिए बेटर शायद हो कि 95,000 ही बेच लें या क्या है, वो अलग अलग सिचुएशन पे आपको कैलकुलेट करके देखना है। तो ऑप्टिमम क्या है मेरे लिए, ही हैज ऑल्सो टू एंश्योर दैट द फर्म इज नॉट इनकरिंग अनड्यू कॉस्ट, जबरदस्ती का खर्चा नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन एनालिसिस एनेबल्स द फर्म टू डिसाइड ऑन द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी करना है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब क्या, लेबर से बनाए हम या मशीन से करवाएं, तो क्या बेटर रहेगा, लेबर बेटर रहेगा या मशीन बेटर रहेगा। द सेलेक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स टू अचीव टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट गिवन द इनपुट्स, तो अलग अलग मिक्स को देखकर कि मेरा कॉस्ट कहाँ पर कम है। कॉस्ट एनालिसिस एनेबल्स द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, खर्चा का भी बिहेवियर होता है। हाँ भैया, यहाँ तक खर्चा है तो मैं इतना, इतना प्रोडक्शन के बाद मेरा खर्चा इतना हो जाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपके घर पे भी आता होगा तो यूनिट ध्यान दीजिए कि 0 यूनिट टू 100 यूनिट 5 रुपया करके, 100 to 200 यूनिट 6 रुपया करके, 200 to 500 यूनिट 10 रुपया करके, 500 के बाद अचानक से गवर्नमेंट बोला रहे 500 यूनिट, इसके बाद अगर तुम जाओगे तो 15 रुपया करके, एकदम कॉस्ट डबल हो जा रहा है। तो कोशिश यही करना कि मेरा 498 में ही रह जाए, क्योंकि अगर 501 भी हो गया तो ये पूरा का पूरा 501 15 रुपया करके चार्ज हो सकता है। तो ये देखो कॉस्ट का भी बिहेवियर है। किस सिचुएशन पे क्या कॉस्ट है, कैसे करना है, सारा एनालिसिस देखना है मुझे। व्हेन वेरिएबल सच एज आउटपुट टाइम पीरियड एंड साइज ऑफ द प्लांट चेंज, आउटपुट टाइम पीरियड एंड साइज ऑफ द प्लांट, ये अलग अलग इम्पैक्ट है भैया। साइज ऑफ द प्लांट, अगर मुझे 1 लाख बनाना है तो ये चाहिए साइज, 1 लाख से 5 लाख के बीच में मेरा प्लांट का साइज बढ़ जाता है। अब फंसते कौन है, जिनको 1.5 लाख पीस बनाना है, तो 1.5 लाख पीस बनाना तो ऐसा दो साइज का दो प्लांट बैठा लूँ या ये प्लांट बैठाऊँ, क्या पता 1.5 लाख के बाद अगर मेरा किस्मत चमक गया और मुझे नेक्स्ट ईयर तक क्या पता 5 लाख पीस का ऑर्डर मिल जाए। मगर इस प्लांट को बैठाने के लिए भैया फिक्स्ड कॉस्ट जो हर महीना का रिकरिंग कॉस्ट है ये सब बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रोडक्शन तो आप 1.5 लाख पीस कर रहे हो, क्या करें 1 लाख पीस ही बना लें और 50,000 पीस किसी से बाहर में बनवा लेते हैं, तो अलग अलग तरीका से थॉट आता है। तो ये सब सिचुएशन रहता है प्लांट साइज के बारे में। द फर्म विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, कि चलो हम अपने प्लांट पे 1 लाख बनाएंगे और 50,000 किसी और के प्लांट से बनवा लेंगे एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। क्योंकि 5 लाख वाला कैपेसिटी का प्लांट बिठाने का कोई सेंस समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद चलो हमने बना लिया, 1.5 लाख पीस बन गया है दोस्त, ओके लेट्स से 1.5 लाख पीस हमने प्रोड्यूस कर लिया। पहले हमने फोरकास्ट किया था, याद करो, फोरकास्ट के बाद हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का बात किया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, राइट और रॉन्ग देख लो, डिमांड एनालाइज किया, डिमांड फोरकास्ट किया, अब बात हो रहा प्रोडक्शन हो गया है, उसके बाद जो गुड्स हमने जो बना लिया है उसकी इन्वेंट्री, क्योंकि एक झटके पे तो माल नहीं बिकता ना कभी, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखना है।
और संग संग उसके बाद हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस पॉलिसी। इन्वेंट्री को हमको निकालना है तुरंत, ये इन्वेंट्री जो स्टॉक है मेरा ये जाम हो गया है, कुछ ऐसा प्राइस पॉलिसी करेंगे, कुछ देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे चर्चा को बढ़ाना, आइए इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखते हैं। पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरीज पर्टेन टू रूल्स दैट फर्म्स कैन यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग इन्वेंट्री। क्योंकि इन्वेंट्री को मेंटेन करने का भी तो एक खर्चा है, कौन चाहेगा इन्वेंट्री रखना, सब कोई यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द माल बने और बिके, गोडाउन में माल रखने का कोई सेंस नहीं है। तो मिनिमम कॉस्ट पे कैसे काम हो सकता है, मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल जब तक वो यूज नहीं में आ रहा है तो भैया रॉ मटेरियल है, समझ लो हमारा सूट बनाने का काम है, ब्लेजर, सूट्स एंड ब्लेजर्स। तो जो कपड़ा का जो पूरा रोल है ये अभी मेरे लिए पूरा रॉ मटेरियल है, यूज ही नहीं हुआ है। अब इसमें से काट के कुछ टेलर साहब ने कुछ कुछ कटिंग वटिंग कर दिया है या जो भी है, तो ये आपका बन गया है वर्क इन प्रोग्रेस या इन प्रोसेस। और कुछ सूट्स जो एकदम रेडी है, फिनिश्ड है, उसे कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री पॉलिसीज अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। इन्वेंट्री का पॉलिसी अगर गलत है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन्वेंट्री का पॉलिसी अगर सही है तो प्रॉफिट एकदम सही रहेगा। बिजनेस इकोनॉमिस्ट, अब ये आपका काम है, आप बिजनेस इकोनॉमिस्ट हो, यूज मेथड्स सच एज ABC एनालिसिस, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस एंड मैथमेटिकल मॉडल्स टू हेल्प द फर्म मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। ये सब डिटेल में आप IPCC या अच्छा अभी तो होगी आपका CA इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में कॉस्ट के पेपर में ये सब आपको करना है। तो सोचो इस बार का दोस्त स्टडी मटेरियल इतना अच्छा बनाया गया है कि आपको फाउंडेशन में ही इंटरमीडिएट लेवल को टच कर दिया जा रहा है। तो दोस्त इंटरमीडिएट लेवल में बहुत सारे टीचर्स इंडिया में क्या करेंगे, आपको जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक पे पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट कराने वाले मॉडल पे रहेंगे। तो ये चीज़ के लिए भी आपको समझना होगा कि अगर फाउंडेशन का टीचर अगर आपको अच्छे से बेस नहीं बनाए आपका, तो दोस्त आगे चल के आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा पूरी निभाने का चेष्टा कर रहा हूँ। मार्केट में दोस्त बहुत अलग अलग टीचर्स है जो शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट में। तो आप लोगों को ये भ्रम नहीं हो जाए कि अरे भैया सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरे बाकी दोस्त लोगों ने तो इतना पढ़ा ही नहीं। इस भ्रम के चक्रव्यूह में प्लीज मत फंसिएगा। जितना एक्स्ट्रा मेहनत करोगे वो आज नहीं तो कल आपके काम में आने वाला, व्यर्थ नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरा, ये आपको 100% हमेशा के लिए काम में आएगा। तो ये भरोसा प्लीज मेंटेन करके चलो। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता, मैं आपको एनालिटिकली पढ़ाई करवा रहा हूं कि आप कैसे आप एनालाइज कर करके पढ़ाई करो, शॉर्टकट और रट्टा मारने वाला पढ़ाई मत करो दोस्त, वो आगे चल के बहुत दुख देने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CA फाइनल के एग्जाम को 10-10 अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर कर पाए हैं, क्योंकि वो 5 साल से जो पढ़ाई कर रहे हैं, 10 अटेम्प्ट मतलब तो 5+5 और जोड़ लो, अब वो 10 साल से गलत तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं, फॉल्टी सिस्टम पे वो चले गए। तो दोस्त फॉल्टी सिस्टम अब आप करेक्ट भी करने के सिचुएशन पे नहीं हो, तो सोचो फाइनल में जाके आपको पता चला कि आप, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा क्या गलती हो रहा है उनसे, उन्हें पता ही नहीं है। और क्योंकि उन्हें नहीं पता है तो ये भ्रम जो है वो क्रिएट कर दिए। तो CA फाउंडेशन का एक होनहार बच्चा, वो अपने भैया को देख रहे हैं हॉस्टल में कि इस बार भी भैया पास नहीं हुए, तो उसे अंदर ही अंदर एक डर लग रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उस डर का शिकार आप लोग बनो, एनालिटिकली पढ़ाई करो, कॉज एंड इफेक्ट को समझ के पढ़ाई करो,
मेहनत करो तो देखो कहीं पर भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन विच द फर्म्स हैव टू फेस। कॉम्पिटिशन हर फर्म को फेस करना है। मैंने एक फ़ोन बनाया, लॉन्च कर दिया और बस मेरा फ़ोन का प्राइस 5,500 है और ये बिकना चाहिए ज़रूरी नहीं है दोस्त, क्योंकि उससे बेटर मॉडल 5,100 में दूसरा कंपनी बेच रहा है। अब मैं कैसे ऐसा मार्केटिंग करूं या ऐसा मेरा फीचर्स ऐसा रहे फ़ोन पे कि सबको लगे कि नहीं यार ये 5,500 वाला बेटर है। हर फर्म को ये फेस करना है। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ मार्केट पावर, एबिलिटी टू डिटरमाइन प्राइसेस विच द फर्म कमांड्स। अब मेरा प्रोडक्ट जैसे एप्पल देखो भैया, वो प्राइस पे कमांड है उसका। मेरा एप्पल का फोन है, एप्पल बोल रहा मैं इसी प्राइस पे बेचूंगा और उसे यकीन है कि बायर्स खरीदेंगे उसको। एंड द स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड इन मार्केट मैनेजमेंट अंडर द गिवन कॉम्पिटिटिव कंडीशंस सच एज प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड असिस्ट द फर्म इन फ्रेमिंग सूटेबल प्राइस पॉलिसीज। मैडम एसी चलाइएगा प्लीज। रिसोर्स एलोकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग एनेबल्स द फर्म टू अराइव एट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, द फर्म हैज़ टू केयरफुली इवेलुएट इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैरी आउट अ सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन। सेंसिबल पॉलिसी, नॉनसेंस काम करोगे तो भैया बहुत रहोगे, सेंसिबल काम करो। थ्योरीज रिलेटेड टू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन असेसमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बहुत सारे इस पर भी इकोनॉमिक थ्योरीज है। अब आपको क्या करना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सपोर्ट डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ स्केर्स कैपिटल अमंग कॉम्पीटिंग यूज ऑफ द फंड्स। फंड 500 करोड़ है, हाथ में प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का है, ये 500 करोड़ को कहाँ यूज करूँ, किससे लोन लूँ। 300 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है ये रिस्की प्रोजेक्ट है, शायद इसमें पैसा नहीं मिले या देर से मिले, इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं या इस प्रोजेक्ट में जॉइंट वेंचर कर लेते हैं किसी के साथ। तो अलग अलग तरीके से पॉलिसीज बनता है। अपने सारे एनालिसिस को ध्यान रखते हुए प्रॉफिट एनालिसिस, अब आया है मेन काम पे, प्रॉफिट। सारा मेहनत हो रहा है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टेन ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशन। चेंजिंग प्राइसेस, प्राइस अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है ये वो बढ़ भी रहा है और घट भी सकता है। सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं भैया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये प्रॉफिट भी हमेशा अनसर्टेन रहेगा ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशन। ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स द फर्म इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। कंडीशन सर्टेन नहीं है बट कुछ ना कुछ थ्योरी है, प्रॉफिट थ्योरी। प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो इमेंसली यूजफुल इन फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।
Analysis of risk and uncertainties help the business firm in arriving at efficient decisions and in formulating plans on the basis of past data, current information, and future prediction. ये पास्ट डेटा करंट इन्फॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन का जब बात करते हैं ना दोस्त, तो जब भी आपके पास कुछ डेटा होता है तो आपको रिस्क पता होता है, और जब अनसर्टेनिटी का बात करते हैं तो भैया कुछ पता ही नहीं है, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। कुछ डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। जैसे डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना, इसमें ये रिस्क है, तो ये रिस्क है ब्लड ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो उस रिस्क का हम कवरेज करके सकते हैं। ये रिस्क मुझे पता है, ज़्यादा ब्लड का लॉस होने से मैं ओ पॉजिटिव का ब्लड बैंक से पहले ही 10 बॉटल ला के रखूँगा। बट अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं था कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, हमें पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं था तो प्लान कैसे करेंगे, वी डिड नॉट नो। चलो हम तो जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर के लिए, हम तो प्लान कर रहे थे ऑपरेशन के लिए, हम तो प्लान कर रहे थे ऑपरेशन का रिस्क के लिए, हम तो एयर एम्बुलेंस पे लेकर जा रहे हैं पेशेंट को, बट वो एयर एम्बुलेंस ही क्रैश कर गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये तो सर्टेन मतलब ये तो कल्पना के बाहर है। हमने ऑपरेशन रिलेटेड सारे रिस्क जितने भी थे हमने कोशिश किया कवर करने का, एयर एम्बुलेंस से पेशेंट को शिफ्ट कर रहे थे और वो एयर एम्बुलेंस ही क्रैश हो गया, भैया क्या करें। तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के लिए आप प्लान नहीं कर सकते हो भाई, पता ही नहीं है कब क्या हो जाएगा, किसने सोचा था ऐसा। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो एक्सटर्नल इश्यूज पे अप्लाई होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट टू द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा कंट्री कौन सा सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो क्या सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्टिक है, मिक्स्ड है, क्या है। द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अपना बिजनेस साइकिल का क्या स्टेज है। द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्री पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, price policy, foreign trade policy and globalization policies, working of financial sector and capital market, socio-economic organizations like trade unions, producer and consumer unions and cooperatives, social and political environment, business decisions cannot be taken without considering these present and future environmental factors. As the management of the firm has no control over these factors, it should fine-tune its policies to minimize their adverse effects. अरे भैया ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो ठीक है समरी आप देख लीजिएगा प्यार से, ठीक है। सो दोस्त चैप्टर वन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर टू को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर टू क्या है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अभी हमने कर लिया नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर टू में हमें देखना है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो दोस्त रिलैक्स रहिए, आपको कुछ भी शेयर करना है आप हमसे संपर्क बना के रखिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9830175050। आप YouTube के बटन को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी आपका ओपिनियन है हम तक ओपिनियन ज़रूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।